सो किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड में का यूजफुल मटेरियल एंड वेस्ट मटेरियल दोनों रिसीव करता है। किडनी फिर क्या करता है, वेस्ट मटेरियल का प्रोसेसिंग करके यूरिन बना के बॉडी के बाहर एक्सपेल कर देता है। सो बॉडी के बाहर में यूरिन फेंका जाएगा जिसमें वेस्ट मटेरियल रहेगा, और ये भी चीज हमने पढ़ चुके थे एडीएच के साथ में। सो दिस यूरिन इज हैविंग वाटर, वाटर तो है। अब इसी किडनी के एग्जैक्टली ऊपर में, किडनी के एग्जैक्टली ऊपर में एक ग्लैंड होता है, और इस ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम है बेटा? एड्रीनल ग्लैंड। तो किडनी के ऊपर में जो ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड। किडनी का साइंटिफिक नेम हमने पढ़ चुके हैं, किडनी का साइंटिफिक नेम रेनल। तो साइंटिफिक नेम ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज रेनल। अब ये एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, ऊपर ऊपर सुपीरियर, इसीलिए किडनी इज ऑल्सो सॉरी एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रा रेनल ग्लैंड। मतलब सुप्रा मतलब सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर, तो किडनी के ऊपर है करके सुप्रा वर्ड, तो ऊपर है करके सुप्रा, किडनी के ऊपर है करके सुप्रा रेनल। तो ड्यू रीजन के लिए नीट वाले स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड एज सुप्रा रेनल ग्लैंड। अब एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं, एनी ऑर्गन इफ इट इज गिवन अ कट, पढ़ा चुका बेटा ये हो चुका है। एनी ऑर्गन इफ इट इज गिवन अ कट, अंदर में स्पेस मिला तो ल्यूमेन, और साइड की जो दीवार होती है मार्जिनल वॉल, उसमें दो रीजन्स मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। ये मैंने एनी ऑर्गन बोला बेटा, इसका एड्रिनल ग्लैंड से कोई लेना देना नहीं है, ये सभी ऑर्गन के लिए अप्लीकेबल है। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स है, हमारा शरीर क्यों, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन प्लांट्स में भी साइड की दीवार में दो रीजन्स होती है। आउटर रीजन इज ऑलवेज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड इनर रीजन इज ऑलवेज कॉल्ड एज मेड्यूला। ये आगे के कंसेप्ट के लिए अच्छे से याद रखो। अब ये हर एक ऑर्गेन के लिए अप्लीकेबल है बेटा। हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन काटो, क्लियर, इफ इट इज गिवन अ कट, एनी ऑर्गन इफ इट इज गिवन अ कट, इट शोज टू रीजन्स, आउटर रीजन इज ऑलवेज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड इनर रीजन इज ऑलवेज कॉल्ड एज मेड्यूला। अब एड्रिनल ग्लैंड को भी काट के देखेंगे हम, तो एड्रिनल ग्लैंड को अगर अपन कट करके देखेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड में भी दो रीजन्स जरूर मिलेगा। चलो काट के देखते हैं अभी क्या आता है। ओके चलो, सो एड्रिनल ग्लैंड ये काट रहा हूं मैं अभी, ये हो गया एड्रिनल ग्लैंड। सो एड्रिनल ग्लैंड में भी दो रीजन्स मिलना ही मिलना है। नीचे में क्या रहेगा बेटा, ये तो किडनी है ही बेटा, इस पे तो कोई शक नहीं है, दिस वन इज एन किडनी, ठीक है, ये तो किडनी रहेगा ही। अब ये जो रहेगा दिस वन इज एन एड्रिनल ग्लैंड। काटने के बाद एड्रिनल ग्लैंड में भी दो रीजन्स मिलेगा,
उसका जो आउटर रीजन जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड इनर रीजन जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज मेड्यूला। जैसा सभी ऑर्गन में रहेगा वैसा एड्रिनल ग्लैंड में भी है। सो एड्रिनल ग्लैंड को काटे बराबर एड्रिनल ग्लैंड में भी दो रीजन्स, द आउटर रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, द इनर रीजन इज कॉल्ड एज मेड्यूला। कॉर्टेक्स को काटेंगे, थोड़ा सा नीट के लिए जाएंगे, तो कॉर्टेक्स में भी तीन रीजन्स रहेंगे, आउटर रीजन, मिडल रीजन एंड द इनर रीजन। सो कॉर्टेक्स ऑल्सो हैज थ्री रीजन्स, कॉर्टेक्स में तीन रीजन रहेगा। ये हो गया आउटर रीजन। आउटर रीजन इज कॉल्ड एज जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या बोलेंगे बेटा? जोना ग्लोमेरुलोसा। मिडल रीजन इज कॉल्ड एज जोना फैसिक्यूलेटा। अच्छे से याद रखो बेटा, नीट में भी तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एड्रिनल ग्लैंड को काटे बराबर एड्रिनल ग्लैंड में दो रीजन्स, आउटर रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, इनर रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड एज मेडुला। अब हम कॉर्टेक्स को हाईलाइट कर रहे बेटा, कॉर्टेक्स में भी तीन रीजन। कॉर्टेक्स का आउटर रीजन जोना ग्लोमेरुलोसा, कॉर्टेक्स का मिडल रीजन जोना फैसिकुलेटा, और कॉर्टेक्स का इनर रीजन जोना रेटिकुलरिस। क्या बोलेंगे बेटा? जोना रेटिकुलरिस। अब ये सभी इंडिविजुअल हार्मोन सीक्रेट करते हैं, सभी इंडिविजुअली हार्मोन सीक्रेट करेंगे। इसमें से जोना ग्लोमेरुलोसा जो हार्मोन सीक्रेट करता है उस हार्मोन का नाम है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो कॉर्टेक्स सीक्रेट करता है। ये मिनरल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मिनरल्स को कंट्रोल करेगा, और ये जनरली सोडियम एंड पोटेशियम ज्यादातर कंट्रोल करता है, और ये सभी यूरिन फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और मिनरल कॉर्टिकॉइड का अपन ने ऑलरेडी एक एग्जाम जब पिट्यूटरी ग्लैंड का आउटलाइन पढ़ाया तब हो चुका है, और उस मिनरल कॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल अल्डोस्टिरोन। क्या नाम है बेटा? अल्डोस्टिरोन, ये हार्मोन है। ठीक, तो मिनरल कॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल अल्डोस्टिरोन, और ये ऑलरेडी अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के समय में पढ़ चुके हैं कि ये सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है। इसीलिए नीट वाले स्टूडेंट याद रखेंगे, दिस इज एन सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। क्या बोलते बेटा? सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ओके, तो ये स्पेशली हटके है, याद रखो इसको। दूसरा है जोना फैसिकुलेटा। अब जोना फैसिकुलेटा ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है
ग्लूको कॉर्टी कॉइड्स, नाम में सब कुछ आ रहा है बेटा। इसका एग्जाम्पल एक बार नीट में आ चुका था, कॉर्टिसोल। ये हटके याद रखो। और ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ये हमारे बॉडी का प्रोटीन्स, लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाता है। ठीक। अब एक नीट के लिए एक स्पेशल शब्द दे रहा हूं मैं। ये क्या करता है, इम्यून को सप्रेस करता है। इम्यून सप्रेसिंग है, मीनिंग देता हूं ना मैं, इम्यून सप्रेसिंग हार्मोन। मतलब ये हमारे बॉडी में कंज्यूम करने के बाद एक्सटर्नली अगर आर्टिफिशियली दिया जाता है कॉर्टिसोल्स, तो ये क्या करता है, सप्रेस करता है एंटी बॉडी फॉर्मेशन। तो ये डॉक्टर लोग कहां यूज करेंगे, कभी कभार देखो कुछ दवाइयों का एलर्जी होता है कुछ लोगों को। जैसा अगर डॉक्टर के पास गए हम, तो कभी कभी हम किसी बीमारियों में ट्रीटमेंट के दौरान हम डॉक्टर्स को बताते हैं कि हमको कुछ चीजों का एलर्जी है, कभी कुछ केमिकल्स का एलर्जी होता है। फिर एक्चुअली एलर्जी है क्या? जब भी अगर वो चीज हमारे शरीर में जाती है, एलर्जी मतलब हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बाय फॉर्मिंग एंटीबॉडीज। तो आजकल क्या होता है, ये चीजें बॉडी में इंजेक्ट की जाती है जिससे हमारा बॉडी एलर्जी क्रिएट करने वाले एंटीबॉडी को दबा देता है, जिसकी वजह से फिर बाद में वो दवाइयों का इस्तेमाल इजी हो जाता है। इसीलिए यहां पे एक वर्ड दिया जाता है, मतलब आता है नीट में क्वेश्चन, द इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। ये थोड़ा सा आप लोग हटके याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। ओके, दस वन क्लियर। अब आते हैं हम जोना रेटिकुलरिस पे। अब कॉर्टेक्स का इनर रीजन जो है, दैट इज जोना रेटिकुलरिस, ये जोना रेटिकुलरिस सेक्स कॉर्टिकॉइड सीक्रेट करता है। सभी में देखो आपको कॉर्टिकॉइड मिलेगा, जोना ग्लोमेरुला से में कॉर्टिकॉइड्स, जोना फैसिकुलेटा में कॉर्टिकॉइड्स, जोना रेटिकुलरिस में भी कॉर्टिकॉइड्स। फर्क इतना है कि एक मिनरल है, एक ग्लूको है और एक सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है। और सेक्स बोले बराबर तुम्हारे दिमाग में कोई अजीबोगरीब थिंकिंग आती है कि वो कोई रिलेशनशिप है? नो, सेक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल। जब हम लोग बोर्ड का फॉर्म भरते हैं, कहीं एप्लीकेशन देते हैं, तो वहां हमारा नेम, फादर्स नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, फिर एक वर्ड आता है सेक्स। तो वहां आप लिखते हो मेल और फीमेल लिखते हो आप। सो मेल और फीमेल इट्स अ इंडिविजुअल। तो जनरली ये सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये एक सेक्स हार्मोन है और एक पर्टिकुलर सेक्स में ही पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल नोट कर सकते हो आप लोग, इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज गोनाडो कॉर्टी
गोनैडो, कल ही पढ़ा था मैंने रिसेंटली, गोनैड्स। और गोनैड्स दो प्रकार के हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज। और एग्जांपल्स है गोनैडो, कॉर्टिकॉइड, ये नीट वाले याद रख सकते हो। एक है एंड्रो जेंस और दूसरा है एस्टर डाल्स। ओके, अब ये जनरली मेल्स में बहुत कॉमन होता है, तो मेल में ये जनरली सेकेंडरी सेक्सुअल या एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है। बस सेकेंडरी सेक्सुअल या एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? दाढ़ी मूंछ। मेल में ये मेल की निशानी है, अगर दाढ़ी मूंछ है तो वो पक्का मेल है। दाढ़ी मूंछ नहीं है इसका मतलब वो फीमेल रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। कारण न्यू बॉर्न बेबी को थोड़ी दाढ़ी मूंछ रहती है, तो क्या पहले फीमेल रहेगा बाद में मेल हो जाएगा क्या? नहीं ना, एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है ये। सो दाढ़ी मूंछ का होना ये पक्का साबित करता है कि वो मेल है। तो ऐसे कैरेक्टर जिससे एक सेक्स की पहचान होती है उसको बोलते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर, जिसके बिना डिफाइन ही नहीं कर सकते वो क्या मेल, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, टेस्टिस, ओवरी, पेनिस, वजाइना, ब्रीस्ट, फंक्शनिंग मेमोरी ग्लैंड्स, ये हो गए प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब चलता है तो मदद होगा, नहीं है तो मदद नहीं होगा, तो दाढ़ी मूंछ उसको मेंटेन करता है। खास बात है, अब थोड़ा सा अगेन फिर से नीट वाले स्टूडेंट के लिए, अब फिर से मैं पावर पॉइंट पे तो नेक्स्ट पीरियड में लूंगा बेटा इन सब चीजों को, इसके डिसऑर्डर्स तो एक्स्ट्रा। अगर ये हार्मोन एक्सेस हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो अगर एक्सेस हुआ तो सबसे पहले मेल में जो मेल इंसान है, ओके, जिसको मूंछ भी है, दाढ़ी भी है, लेकिन इसका जो मेमोरी ग्लैंड है वो उभर के आ जाता है। मेमोरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं एनलार्ज्ड ब्रीस्ट। ब्रीस्ट मतलब मेमोरी ग्लैंड, क्लियर? तो मेल में क्या हुआ, मेल आदमी हेल्दी मेल है लेकिन उसका जो मेमोरी ग्लैंड वो उभर के आ जाता है, तो एनलार्ज्ड ब्रीस्ट। इस बीमारी को नाम दिया है गायनेको मैस्टिया। ऐसा पावर पॉइंट में दिखा दूंगा बेटा बाद में फटाफट। सो मेल्स में अगर एक्सेस हुआ तो ब्रीस्ट एनलार्ज हो जाता है, मतलब कुछ फीमेलनेस देखने को मिलता है मेल में, दैट इज कॉल्ड एज गायनेको मैस्टिया। और फीमेल्स में जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है विरी, ये नीट में आता है विरी लिज्म। क्या बोलते हैं? विरी लिज्म एंड हिर्सुटिज्म। दोनों केस में फीमेल्स में भी एक्सेस हेयर देखने को मिलता है, एक्सेस हेयर ऑन फेस, दाढ़ी मूंछ जैसा, समझो, मतलब मेलनेस कैरेक्टर आ गया। सो दैट इज कॉल्ड एज विरिलिज्म
और हिरिस्टिज्म, ये दोनों चीजें डेफिनेटली बेटा, ये दोनों चीजें डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि ये अपन जरूर पावर पॉइंट में देखेंगे, कुछ बीमारियों से रिलेटेड जरूरी है। ओके, तो ये हो गया, थोड़ा सा डिटेल लिया हूं बेटा मैंने, और डिटेल का रीजन आपको बताया कि इसमें मेरा नीट का भी कंसेप्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि नीट वालों का मुझे अभी पेपर लगाना है और फटाफट उसमें ओके थोड़े से मुझे कंसेप्ट लेना है इसीलिए, ठीक है। और थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा बता दूं ताकि मेरा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें से एक चीज और याद रखो, ये तो मैं वैसे भी आपको पावर पॉइंट में डिटेल दिखाई रहा हूं, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपके सिलेबस में डिटेल में है, ठीक है। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये आपके सिलेबस में है डिटेल में थोड़ा सा, तो उससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर दिया हुआ है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर एक्सेस हो जाता है तो उस समय में डिसीज होती है, ये थोड़ा सा स्टेट बोर्ड में सिर्फ नाम याद रखो, और कॉम्पिटिटिव में इसके कैरेक्टर्स भी दिए हैं कुछ, वो मैं दूंगा बाद में। कुशिंग्स डिसीज, ठीक है। तो जोना फैसिकुलेटा में जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर एक्सेस सीक्रेट होता है तो उस समय में एक्सेस ज्यादा सीक्रेट हुआ तो हाइपर सीक्रेट हुआ तो कुशिंग्स डिसीज, और अगर हाइपो सीक्रेट हुआ मतलब कम अगर सीक्रेट हुआ तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है एडिसन्स डिसीज। क्या बोलते हैं? एडिसन्स डिसीज, ठीक है। तो हाइपर सीक्रीशन, क्लियर, हाइपर सीक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या इवन मिनरल कॉर्टिकॉइड, ये दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरल कॉर्टिकॉइड अगर लेस सीक्रेट होता है तो इंडिविजुअली तो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको कॉम्पिटिटिव में, अब वो होता है एडिसन्स डिसीज। तो ये दो डिसीजेस है वहां याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहां तक पहुंचे गए तो मेडुला के कुछ हार्मोन के नाम दिए बेटा बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ नाम याद रखो, बाकी बोर्ड एग्जाम में नाम के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। पर कॉम्पिटिटिव में तो है थोड़ा बहुत, तो मैं उसको पढ़ा दूंगा। अब ये जो मेडुला है, ये मेडुला दो प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करता है, सो मेडुला सीक्रेट्स ओनली टू हार्मोन्स। एक हार्मोन का नाम है एड्रीनालिन, दूसरे हार्मोन का नाम है नॉर एड्रीनालिन। दो प्रकार के हार्मोन है, एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन। ये जो एड्रीनालिन है ये इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, इमरजेंसी हार्मोन, ओके। और नीट वाले याद रखो, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज 3F हार्मोन, उसमें पढ़ाऊंगा मैं डिटेल। तीन बार एफ आता है, एक फ्लाइट, फाइट, फ्राइट, मतलब फाइट मतलब जैसे बॉडी में जरूरत होती है निकलता है, फाइट करता है ये, फ्लाइट मतलब काम करने के बाद उड़ जाएगा, फ्राइट डिस्ट्रॉय भी हो जाना, ठीक। तो इसके डिटेल्स जो रहेंगे वो हम जरूर कॉम्पिटिटिव में पढ़ेंगे, यहां इतनी जरूरत नहीं है। जस्ट याद रखो मेडुला दो प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करता है, एक एड्रिनालिन और दूसरा नॉन एड्रिनालिन। एड्रिनालिन इमरजेंसी हार्मोन है, 3F हार्मोन है, जो नेक्स्ट पीरियड के नीट में मैं कवर अप कर दूंगा। और दूसरा होता है मेडुला का नॉर एड्रिनालिन,
और ये नॉन एड्रेनालिन जो रहता है हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है नॉर्मल कंडीशन में। और ये दूसरा, एक तो बीपी कंट्रोल करेगा ये हमारा, और दूसरा वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब ब्लड वेसल को दबाता है ताकि ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होके कंट्रोल में रहे। पढ़ा हुआ मैं, ये फोरेस ग्लैंड भी है ये, तो ये तो उसी में आएगा बेटा, यहां हमको कोई जरूरत नहीं है। सो विद दैट मेरे ख्याल से अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है। ओके तो